मत गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपा गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, इस आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आनंद ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन वेदों शास्त्रों ने हमको बताया कि ईश्वर को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो बुद्धि से सर्वथा परे है। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया
कि ईश्वर को उसकी कृपा द्वारा गधा भी जान सकता है। लेकिन ईश्वर की कृपा कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो। उसके लिए हमें ईश्वर के शरणागत होना होगा और शरणागति मन से ही करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही है। और तदर्थ मन को सर्वप्रथम संसार से विरक्त करना होगा, तदर्थ संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार करना होगा कि संसार में ब्रह्मलोक तक न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। लेकिन इस प्रकार मन को संसार से विरक्त करने के पश्चात भी वेद शास्त्रों ने हमको बताया कि जब तक हम किसी वास्तविक महापुरुष के शरणापन्न नहीं होंगे, तब तक हमारा ईश्वरीय जगत का ककहरा भी प्रारंभ नहीं होगा। अतः महापुरुष तत्व के विषय में भी सविस्तार समझाया गया। पश्चात ईश्वरीय शरणागति के तीन मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। और ये सिद्ध किया गया कि भक्ति के बिना न कर्म धर्म से माया निवृत्ति हो सकती है और न भक्ति के बिना ज्ञान से ही माया निवृत्ति हो सकती है। केवल भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। बिना भक्ति के कर्म धर्म केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, जो माया की ही एक जेल है, और वहां से लौटकर फिर हीन योनियों में भटकना पड़ता है। इसी प्रकार बिना भक्ति के ज्ञान मार्गी करोड़ों जन्मों की अत्यंत क्लिष्ट साधना के उपरांत भी केवल आत्मज्ञान की अवस्था पर ही पहुंच सकता है। लेकिन आत्मज्ञान से माया निवृत्ति नहीं होती, वो परमात्मक ज्ञान से होती है, जो भक्ति से ही प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ती है। इसीलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस भक्ति के विषय में आपको ही बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये किसी साधन से प्राप्त नहीं होती, ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस रसिक महापुरुष की कृपा को पाने के लिए हमको अपना बर्तन तैयार करना होगा, अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तब उस शुद्ध अंतःकरण में महापुरुष उस सिद्धा भक्ति का दान करता है। इस भक्ति के कल आपको 6 गुण बताए गए कि भक्ति क्लेशघ्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षिणी, इन 6 गुणों से युक्त होती है। और इन 6 में प्रथम 2 गुण साधना भक्ति के हैं और फिर भाव भक्ति पर जब हम पहुंचते हैं तो भाव भक्ति के 4 गुण हैं, एक क्लेशघ्नि, एक शुभदा, एक मोक्ष लघुताकृत और एक सुदुर्लभा। और जब गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है तो वो भक्ति 6 गुणों से युक्त होती है। तो अभी तो हमको साधना भक्ति सर्वप्रथम करनी होगी। जब साधना भक्ति हमारी परिपक्व हो जाएगी तब हम भाव भक्ति की अवस्था पर पहुंचेंगे। उसकी पहचान बताई गई है शास्त्रों में, जिन्हें भाव भक्ति के अनुभाव कहते हैं। आज आपको उनके विषय में बताया जाएगा। तो भाव भक्ति के अनुभाव बताते हुए भक्ति रसामृत सिंधु कहता है, शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद् गुणाख्याने, प्रीतिस्तद् वसतिस्थले, इत्यादयो अनुभावाः स्युर् जात भावांकुरे जने। पहला अनुभव है शांति, अर्थात सहनशीलता, यानी क्षोभ का कारण हो, क्रोध का कारण हो, अशांति का कारण हो, टेंशन का कारण हो, फिर भी हमारा मन शांत रहे, इसको शांति कहते हैं। कारण नहीं है तब हमारा मन शांत है, इसमें कोई कमाल की बात नहीं। जैसे देखिए इस समय हम लोग सब व्यस्त हैं,
तो कोई अगर हमको देखे आकर के तो ये दिखाई पड़ेगा उसको कि इनके अंदर कोई क्रोध नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, हम सब लोग क्रोध आदि से युक्त हैं। अगर बगल वाला जरा सा धक्का भी मार दे तो तुरंत हमको क्रोध आ जाता है, यानी वो ताक में रहता है कि हमको एटमॉस्फियर मिले और हम बलवान हो, प्रबल हो जाएं। ये दोष है हमारे अंदर, वातावरण मिलते ही वो अपना विराट रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। तो ये शांति नहीं है। शांति माने किसी के किसी व्यवहार से हमको फीलिंग न हो। हम लोग अशांत होते रहते हैं, माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, बेटे ने गाली दी, किसी ने विपरीत व्यवहार किया, तो हम लोग अशांत हो जाते हैं। हमारी अशांति का कारण यह है कि हम लोग फिलॉसफी भूल जाते हैं कि संसार में कोई किसी के मुआफिक नहीं रह सकता, बदलते हुए तीन माया के गुणों के कारण। इसीलिए सबसे सब आशा पहले से किए रहो। आज ये हमारा सम्मान कर रहा है, कल को हमारा अपमान कर सकता है, अरे अगले क्षण ये कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। एक फिलोसोफर हुई है मिरियम स्चिफ, उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, ऑन द ह्यूमन चेस बोर्ड ऑल मूव्स आर पॉसिबल। अर्थात मनुष्य कुछ भी कर सकता है, कभी भी कोई भी हमारे साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है। ये आशा अगर हम सबसे पहले से किए रहे तो हमें किसी के किसी व्यवहार में अशांति नहीं होगी। लेकिन हम लोग अनुकूलता की ही आशा करते हैं, इसीलिए जब कोई प्रतिकूल होता है हमारे तो हम अशांत हो जाते हैं। तो शांति का मतलब ये होता है कि हमें टेंशन का कारण मिले। एक आदमी अपमान कर रहा है हमारा बार 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 बार, और हम शांत बने रहे, असर ना हो, सब कुछ नेचुरल माने। एक उदाहरण दिया गया है परीक्षित का। देखो राजा परीक्षित पूरे भारत के सम्राट थे। एक बार वो जंगल में गए तो वहां उनको प्यास लगी, तो एक मुनि थे, ऋषि थे, ऋषिक नाम था उनका, तो वो समाधि में थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन वो तो समाधि में थे, उन्होंने सुना ही नहीं, विचारों को पता ही नहीं उनको, तो बार 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 उनसे पानी मांगा, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब राजा लौटने लगे तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठा करके उन्होंने गले में डाल दिया मुनि के और चले गए। इतने में वहां लड़के आए ऋषि के, और उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया कि ये किसने बदतमीजी की है, और वहीं बैठ गए और ध्यान लगा करके उन्होंने जान लिया कि ये परीक्षित ने किया है। और उन्होंने तुरंत शाप दे दिया कि तुम ठीक 7 दिन बाद आज से सर्प के द्वारा ही मरोगे, तक्षक तुमको डस लेगा। अब पिता की जब समाधि टूटी तो उन्होंने बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे बदतमीज परीक्षित ने आपका ऐसा अपमान किया, मरा हुआ सांप डाल दिया था आपके गले में, और हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और हमने तो ऐसा ऐसा शाप दे डाला। पिता ने कहा, अरे बेटे तो तूने बड़ा गलत काम किया, अरे वो तो भगवत कृपा प्राप्त है और तूने बिना सोचे विचारे ऐसा शाप दे डाला उसको, जाओ उससे तुरंत क्षमा मांगो और उसको बता तो दो कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं। खैर वो गए, परीक्षित को बताया,
तो अब परीक्षित ने सोचना शुरू किया कि क्या करना चाहिए, 7 दिन है हमारे पास, तो हम क्या करें अब। तो उन्होंने सब ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया, इतने में सुखदेव परमहंस भी आ गए घूमते हुए, और उन्होंने फिर परीक्षित को भागवत सुनाई, आप लोगों को पता ही है उसके बाद सब। तो देखो, परीक्षित को पक्का मालूम था कि 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन उनका मन टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं, डरे नहीं वो, इसको शांति कहते हैं।